हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस हो चुके हैं फिर से एक नए दिन की शुरुआत। तो गाइस हम जा रहे हैं एक लंबे ट्रिप पे, मतलब काफ़ी लंबा ट्रिप है, मतलब कंटिन्यू ड्राइविंग रहेगी हमारी। हम जा रहे हैं, इतना बढ़िया सा ट्रिप लेंगे और आप लोगों को शायद पता भी होगा, मैंने पिछले व्लॉग में बोला भी था कि कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ नहीं जाना हमें। तो भाई हम कल सुबह मॉर्निंग में निकलने वाले हैं बढ़िया सा ट्रिप पर, जिसमें हमारी ड्राइविंग रहेगी कम से कम 30 घंटे रेगुलर ड्राइविंग करेंगे। देखते हैं कौन कौन बता सकता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो भाई पहले तो अभी हम इस गाड़ी की अपनी सेल्टोस के टायर चेंज करवा लेते हैं, टायर बिल्कुल घिस के हैं और अब इसके भाई टायर चेंज करवाते हैं, क्योंकि हमने निकलना है कल सुबह सुबह मॉर्निंग में और वो ज़रूरी है यार। सबसे पहले टायर चेंज करवाना है, फिर टैंक फुल कराना है, छोटे मोटे और काम है वो कराना है, सारी पैकिंग भी करनी है, फिर निकल जाएंगे यहाँ से। मैं जाऊँगा छज्जर में सबको, मतलब कि आपको ही पता है मेरे दो दोस्त हैं, उनको लूँगा और फिर निकल जाएंगे हम लंबे रास्ते में। लंबा सा सफ़र होगा, कम से कम 10 दिन का ट्रिप रहने वाला हमारा भाई। तो भाई हो रहे हैं गाड़ी के टायर चेंज, चारों लग गया गाड़ी अपने, उस पर उसमें अलाइनमेंट वगैरह बैलेंसिंग वगैरह सब हो जाएगी, तभी निकला जाएगा भाई। लंबा सफ़र है, कंटिन्यू चलना है और टायर बहुत ज़रूरी था क्योंकि बिल्कुल पीछे पड़े हैं। तो भाई गाड़ी के भी काम पूरे हो चुके हैं, मड फ्लैप भी लग गया और टायर भी चेंज हो गए हैं और ब्रेक पैड भी चेंज हो गए हैं, एकदम ओके हो गया। अभी बस अब कल चलने की तैयारी, अभी तो मेरी पैकिंग भी नहीं हुई, बस पैकिंग करनी है, फटाफट चलते हैं और पैकिंग करते हैं। तो यार मार्केट में रश बहुत होता है यार, बहुत ज़्यादा रश नहीं है। तो भाई अब करने लगे हैं भाई, फाइनली हमारी शॉपिंग भी हो गई है, टी शर्ट ले ली हमने, तो अब जा रहे हैं कुछ और सामान लेना, छोटा मोटा एक्सेसरीज वगैरह तो वो सब लेते हैं, फिर निकल जाना है। बस रात का समय और रह गया, सुबह हमने निकल जाना है। और आप लोग देखो ये टायर नए डल चुके हैं, मेरी गाड़ी के टायर बिल्कुल एकदम नए डल गए हैं। फाइनली आ चुके हैं हम घर पर, आपका सामान ले गए, देखने से क्या हालत कर दिया है कुछ छोटू पुछड़ू सा। तो लो भाई फाइनली हम घर आ चुके। तो घर आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बना पाऊँ, फटाफट रेडी हुआ क्योंकि हमने जाना शादी में और अभी तक मेरा सामान पैक नहीं हुआ, मतलब यूँ है कि एकदम हम मैंने सारा सामान प्रॉपर निकाल लिया है बट पैकिंग अभी तक नहीं हुई है। बस अभी बस एक बार शादी अटेंड करके आते हैं, फिर रात को आके पैक करेंगे और मतलब कि रात में ही निकल जाएंगे अंधेरे के अंधेरे में, मतलब कुछ भी सामान नहीं रहा, 3-4 घंटे मैक्सिमम और हम निकल जाएंगे ट्रिप के लिए सीधा। बस मेरे लिए सारे रुके हुए थे क्योंकि मुझे एक बार शादी में जाना था मम्मी पापा को लेके, तो इसलिए मैं लेट हो गया, नहीं तो अदरवाइज अब तक तो हम सफर में होते। तो भाई मम्मी कहते कि मैनू भी ले लें और के शादी ते चलना नहीं, हाँ हजे तैयार तो हो जाओ तुसी, ये बाल भी सेट नहीं हुए। मम्मी पापा सब रेडी हो चुके और मैंने अपना सूट डाल लिया, क्या यार क्योंकि फॉर्मल यार थोड़ा सा मोटा हो गया मैं और सही लग नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चल यही डाल लेते क्योंकि हमारा ये सूट परफेक्ट है। लो भाई अभी आ चुके हैं हम गाड़ी में सीधा और पापा से डांट खाने के बाद, क्योंकि मैं लेट हो रहा था। पहले यार मेरा प्लान नहीं हो रहा था कि मैं जाऊं यार, मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि पापा मम्मी को छोड़ूं, पापा बोले चल 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 और पापा अभी तक आए नहीं है। और उससे पहले अभी मुझे जाना है, एक छोटा सा काम हो रहा है मेरे पास, पापा आ गए हैं एक तो भाई, तो मेरा छोटा सा काम और रह गया क्योंकि मेरा जो एयर पम्प है कार का वो दूसरी गाड़ी में रह गया और दूसरी गाड़ी हरिद्वार है। तो भाई अब किसी दोस्त से लेने जा रहा हूँ मैं अपना एयर पम्प, क्योंकि यार लंबा सफ़र है, लंबे टूर पर जा रहे हैं एक बढ़िया से, तो गाड़ी में एयर पंप होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैंने गाड़ी के टायर चेंज करवा लिए थे, खास दिक्कत है, फिर भी रिस्क क्यों लेना यार, क्यों रास्ते में रुको, क्योंकि रात भी ड्राइविंग होनी है, कम से कम 30 घंटे हमने ड्राइविंग करनी है, तो बेटर है भाई अपने साथ लेके चलो सब कुछ। तो चलो पहले भाई वो सामान लेते हैं फिर शादी में जाएंगे, क्योंकि नहीं तो लेट हो जाएंगे, सामान भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि मुझे रात में ही निकल जाना है एक तरह से। चलो भाई फाइनली अब घर आ चुके हैं हम लोग, बस फटाफट पैकिंग करते हैं। भाई हमारी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है, मतलब सामान सारा निकला हुआ है A to Z, मतलब पैक बिल्कुल पैक नहीं हुआ, अच्छी बिल्कुल भी पैक नहीं है मेरी। बस अब करते हैं उसको फटाफट क्योंकि यार हमने निकलना है, ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं, 3 बजे मुझे उठना पड़ेगा, 4 बजे निकलेंगे। और मम्मी अब इसमें डालेंगे फटाफट सारा सामान पैक करके अपना निकलते हैं।